नमस्कार दोस्तों, मैं भारत बघेल आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के लिए। सब्जेक्ट रहेगा हमारा फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन रिसोर्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहेगा हमारा। कोड है इसका AG6004 और इस वीडियो में रहेंगे हमारे 100+ क्वेश्चंस और हम चार चार ऑप्शन देते नहीं हैं, सिंगल ऑप्शन देते हैं जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लेने हम अभी तक 500 क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, 500-600, और हम टोटली 2000 क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो आप लोग को काम आएंगे। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम को देखते हुए, टाइम ज़्यादा नहीं गंवाना चाहिए हमें। ओके, ये रहेगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रिसोर्स शब्द अंग्रेजी के किन शब्दों से लिया गया है, किन से लिया गया है? RE+ source। ओके, याद रखेंगे RE+ source। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे अधिक खाद किस मंडल में आती है? निचला गांगे मैदानी मंडल ये रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, मुख्य गांगे मैदानी मंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश पूर्वी ज़िले 12 ज़िले, बिहार के 27 ज़िले। नेक्स्ट देखेंगे, किस मंडल में उत्तर प्रदेश 32 ज़िले आते हैं? ऊपरी गांगे मैदानी मंडल। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी शुष्क मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 11 ज़िले, राजस्थान 38। जिन फसलों की आवश्यकता वृद्धि ठंडे मौसम में होती है उन्हें कहते हैं शीत मौसमी फसलें। ठंडे मौसम में होती है तो वैसे ही समझ में आ जाता है, शीत मौसमी फसलें। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीष्म मौसमी फसलें हैं कौन कौन सी हैं? धान है, बाजरा है, गन्ना, फिर से बाजरा, वो ज्वार था, एक और है मूंगफली। ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 328.8 मिलियन है। भारत में वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से, कौन से? सरकारी आधार पर, प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट, सरकार को वनों से प्रतिवर्ष कुल कितनी आय प्राप्त होती है? 950 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो बुरा लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहेगा, भारत में सबसे पहले वन नीति कौन लाया? ब्रिटिश सरकार 1894। ये 1894 है। नेक्स्ट देखेंगे, वन नीति के मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्ति, वनों का संरक्षण। चेंज कर लेते हैं इसको फिर से। केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1950 में। नेक्स्ट देखेंगे, नवीन वन नीति घोषित कब की जाती है? 7 दिसंबर 1988 को। रियो के जनरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में। रियो डे जनरी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 178 देशों ने भाग लिया था। रियो के जनरी सम्मेलन संबंधित है किससे? पर्यावरण से। वन महोत्सव का आरंभ किसने किया था? खाद्य मंत्री श्री एम के मुंशी ने। वन महोत्सव प्रारंभ कब हुआ था? 1950 में। दोस्तों, हम चार ऑप्शन नहीं लेकर आए हैं क्योंकि चार ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम एक ही ऑप्शन से काम चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 में। वनों के विकास के लिए
पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई? 1951 में, 1952 से पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू कर दी गई। और ये कहाँ से ली गई हैं पंचवर्षीय योजनाएँ? रूस से ली गई, रूस से यानी कि रसिया से ली गई हैं पंचवर्षीय योजनाएँ। भारत में नहरें कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तीन प्रकार की। कौन सी? बारहमासी, बरसाती, स्टोरेज। अर्थशास्त्र के जनक आप सभी को पता है एडम स्मिथ हैं। किसी फर्म के भौतिक आदानों और भौतिक प्रदानों के बीच संबंध में क्या क्या लाभ है? क्या है? उत्पादन प्रसार। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फसल प्रकृति को तलाशते हैं किसमें? दीर्घकालीन प्रकृति। नेक्स्ट देखेंगे औसत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करते हैं? किस प्रकार करते हैं? औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटे कुल प्रयुक्त लागत। नेक्स्ट देखेंगे यदि उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन अधिकतम होगा। यदि एम डॉट आर एस जीरो हो तो उद्यम किस प्रकार का होगा? पूरा उद्यम होगा। उस बाजार का नाम बताइए जिसमें स्थिर और टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष बाजार। शुद्ध पूंजी राशन बराबर है किसके? कुल संपत्ति या कुल देनदारियों के बराबर है। यह आर्थिक चिट्ठा आप लोगों को देखना पड़ेगा, मैं आप इसके लिए बताऊंगा आपको। प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ, दस्ता उपाय। जब परिवर्तन लागत शून्य हो तो कुल लागत कितनी होगी? स्थिर लागत के बराबर। यदि भाग की आय लोच एम से अधिक हो तो वस्तु है कैसी है? एक गुलास्ता। इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। भारत प्रयोग एक उत्पत्ति सिद्धांत नाम क्या है? उत्पत्ति दोष निगम। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन किस पद्धति को कहलाता है? दीर्घकालीन प्रकृति। परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत उत्पादन फलन किस प्रवृत्ति कहलाता है? अल्पकालीन प्रवृत्ति। यदि कुल उत्पादन अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादन होगा कैसा होगा? शून्य। यदि सीमांत उत्पादन शून्य हो तो उत्पादन शून्य हो तो उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन क्या होगा? अधिकतम होगा। औसत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करते हैं? किस प्रकार करते हैं? ये देखिए सीमांत उत्पादन किस प्रकार ज्ञात करते हैं? कुल उत्पादन में अंतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र को विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रो ई ओ डी ने। वर्तमान आपसा लागत आपका अल्पकालिक क्या होगा? चक्रवृद्धिकरण, कंपाउंडिंग। प्रक्षेत्र की समस्त क्रियाओं का लेखा एक द्वारा कहा जाता है? क्या? प्रक्षेत्र अभिलेख। सरकारी खेती कितने की होती है? चार वर्ष की होती है। समय अवधि के आधार पर फार्म नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कृषि बीमा कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन सा? फसल बीमा, पशु बीमा।
संस्थान संबंधी किस सबसे निरूपण किया गया रिसोर्स से? कुल लागत किस प्रकार ज्ञात करते हैं, कैसे करते हैं? कुल लागत प्रवर्ती लागत। औसत स्थिर लागत किस प्रकार ज्ञात करते हैं? औसत स्थिर लागत नचिक कुल उत्पादन कुल स्थिर लागत। सीमांत लागत ऐसे ही ज्ञात करते हैं। ये देखिए पढ़ लीजिएगा आप। औसत लागत स्थिर लागत को आकार कैसे दिया जाए? आयताकार आकार। सीमांत लागत आकार कैसा होता है? यू आकार का। एम आर एस बराबर जीरो किस प्रकार का है? पूरा पुदन। सी एस टी सी किस प्रकार ज्ञात करते हैं? कॉस्ट सी कॉस्ट बी आंकड़ा। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। एग्रीकल्चर शब्द किस से हुई? एग्री तथा कल्चर। इकोनॉमिक की उत्पत्ति किससे हुई? ये ग्रीक भाषा का। ठीक है, पढ़ा चुके हैं। पार्टनर प्रयोग एक आर्थिक सिद्धांत नाम क्या है? उत्पत्ति दोष नियम। भौतिक आयोजनों का प्रयोग बीच संबंध में किया कहते हैं? उत्पादन फलन। प्रमुख उत्पादन फलन नाम है क्या है? काफ डगलन। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए 2000 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।